Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. तो आज मैं एक पिकर कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है, क्या रीज़न है आपकी लाइफ क्यों नहीं बदल रही है, वो चीज़ चेक करेंगे. ये किसी भी स्फीयर में हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है. जनरल थिंग है ये, स्पेसिफिकली लव के रिगार्ड में नहीं, ये स्पेसिफिकली करियर के रिगार्ड में नहीं. विल चेक आउट कि क्या रीज़न है, क्या ब्लॉकेजेस हैं. ओके, सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये वाइट क्रिस्टल है, एक ये ऑरेंज क्रिस्टल है. क्रिस्टल चूज़ कैसे करना है, आप दोनों क्रिस्टल्स को देख लीजिए, अपनी आइज क्लोज कीजिए 5 सेकेंड्स के लिए, और आपको जो भी क्रिस्टल नज़र आए आप वो वाली पाइल सेलेक्ट करेंगे. आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पाइल को सिलेक्ट नहीं करेंगे. मीन्स अगर आपका फेवरेट कलर वाइट है तो आप वाइट नहीं सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. जो क्रिस्टल आपको दिखाई देगा आप वही सेलेक्ट करेंगे. और अगर बाय चांस आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है, तो आप प्लीज़ दोनों पाइल्स को देखिए कि कौन सी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है. सो लेट्स सी दिस थिंग. ओके, पाइल नंबर 1 विल बी वाइट एंड पाइल नंबर 2 विल बी ऑरेंज. ये कलर्स हैं. ओके, सो लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है. आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल नहीं पा रही है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी ज़िंदगी के. लेट्स सी दैट थिंग. ओके, आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है. सो आई टेक आउट 5. आई थिंक मेरा डेक उल्टा है. ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है. ओके, इन आज मैं आकाशिक रिकॉर्ड से भी निकालूंगी कि क्या रीजन है, बिकॉज इट इज अ बिग क्वेश्चन कि जिंदगी में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों जिंदगी बदल नहीं रही है, आपकी जिंदगी के अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है. लेट्स सी. ओके, ओके, एक्चुअली जब हम आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करते हैं ना, बहुत क्लियर मैसेजेस होते हैं इसके अंदर. मतलब आप सोचिए कि यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस हैं, उस तरह के मैसेजेस होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपकी ज़िंदगी में चेंजेस क्यों नहीं आ पा रहे हैं. सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ ये वाले कार्ड्स देखकर. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास ऑलमोस्ट चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं, आपको कहीं भी लाइट नज़र नहीं आ रही है. आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास कि आप ज़िंदगी में आगे की तरफ को बढ़ पाए. लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपको करेज से काम लेना है. जो पास्ट में हुआ, जो कुछ भी पेनफुल रहा, उससे आपको आगे की तरफ को मूव करना है. सी द ट्रेजर का है, इस तरह से सीन नज़र आ रहा है जैसे कि चोरी हो गई होती है. मींस आपके आसपास चीज़ें बहुत तरह से बिखरी हुई हैं. आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी. द अदर थिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि
सब आपके आसपास बिखरता जा रहा है, सब आपके हाथ से निकलता जा रहा है, आपको अपना आउटलुक थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बाहर हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर से हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपको बाहर ये चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन इंसान आएगा मेरी जलती हुई जो ज़िंदगी है उसको बुझा पाएगा इस आग को और मुझे स्टेबल कर पाएगा, इसको आपको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके अंदर से ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। चीज़ों को देखने का आपको पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। और द अदर थिंग, आपको ये समझना होगा कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके साथ एक गेम प्ले कर रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा इंसान है, वो क्या मूव कर रहा है। आपकी ज़िंदगी एक चेस बोर्ड की तरह हो गई है, आपको अपने हर एक जो लोग हैं जो आपको सराउंड कर रहे हैं उनका मूवमेंट समझना होगा। यहाँ पर उदास होकर परेशान होकर चलने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको चलना कैसे है, आपको मूव कैसे करना है, आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके आसपास के लोग कैसा मूवमेंट आपके लिए कर रहे हैं, वो आपके हक में हैं कि आपके अगेंस्ट हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। और द अदर कार्ड, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पतझड़ वाली सिचुएशन आ रखी है, आपको उससे खिलते हुए गुलाब वाली सिचुएशन, फूल खिल रहे हैं उस सिचुएशन में कन्वर्ट करना है। ये आपके अपने हाथ में है और आप चाहते भी हैं कि ये कन्वर्जन हो जाए। आप इस चीज़ को डेफिनेटली ऐसे चाहते हैं कि ये कन्वर्जन हो जाए और मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उनकी ज़िंदगी पहले बहुत अच्छी होगी और फिर चलते वक्त के साथ जिस तरह के कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से उनकी ज़िंदगी पलट गई होगी। लेकिन ऐसे मत सोचिए कि ये दोबारा से फूल उग नहीं सकते, ये मत सोचिए कि दोबारा से ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ नहीं सकती। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। आपको दूसरे से हेल्प लेने नहीं जाना है, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। ये मेन चीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द अदर थिंग, बॉटम ऑफ द डेक पर बर्थ का कार्ड था। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप अब एक केयर फ्री लाइफ चाहते हैं। आप ज़िंदगी एक ऐसी चाहते हैं जिसमें आप खुलकर जी सकें, आप अपने अराउंड पॉजिटिविटी चाहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक्शन अपने अकॉर्डिंग लेना है। आपको खुद के लिए बेस्ट करना है, कोई आपके लिए बेस्ट करने के लिए नहीं आने वाला है। ये आपका खुद का टास्क है, आपको हिम्मत करके आगे की तरफ को बढ़ना है, ओके। सो यहाँ से देखते हैं कि क्या है। अगर आप अपने ऊपर रिलाई करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी प्रेजेंट के मोमेंट पे जिनको आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप उन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, आप उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हालात कुछ इस तरह से आपके सामने बनकर आ जाते हैं, या ऐसे कुछ हालात आपके सामने खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आप करना चाहते हैं, ओके। सो द अदर थिंग, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो आपके पिछले कार्ड्स में भी पता लग रहा है, आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे ही आप काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं आपकी वो स्टेबिलिटी आप अटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको मौके मिलते हैं लेकिन आप उन मौक़ों को पकड़ नहीं पाते, उन मौक़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन खुद के ऊपर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ पॉजिटिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। आप अगर इन मौक़ों को खुद ग्रैब करेंगे या अपने ऊपर काम करने के बाद आप अपनी सूझबूझ से इन मौक़ों को पकड़ेंगे, इन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेट है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर रेनबो के सातों रंग होंगे, इंद्रधनुष के सातों रंग होंगे और आप इमोशनली भी खुद को स्टेबल फील कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज डेफिनेटली आएगा, आप को
आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको ज़रूरत है सबसे पहले अपने आप से एक इनर कनेक्शन बनाने की। आप सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का, आपको सॉल्यूशन आपके अंदर मिलेगा। आपको सबसे पहले यूनियन विद डिवाइन करना है। यूनियन विद डिवाइन का मतलब है एक अपने इनर सेल्फ के साथ आपको एक यूनियन करना है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। द लवर्स कार्ड यहाँ पर सिर्फ प्यार को या किसी के साथ बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ ऊपर देखिए एंजल बने हुए हैं, ओके, उनके साथ भी आपके यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। सो आपको काम खुद के साथ क्या करना है, आपको इनर जो आपकी बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग करनी है, अपने इनर आउटर सेल्फ के साथ, इनर को आउटर सेल्फ के साथ आपको लिंक करना है। ये काम है जो आपको करना चाहिए, ओके। उससे क्या होगा, जो भी आपकी अभी क्या टेंडेंसी बनी हुई है, आप वो चीज़ें जो आपके पास हैं आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेकर चले हुए हैं, आपका उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं आप उनके लिए कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, आप उन चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कारण है जिसकी वजह से आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, उदास फील करते हैं, उसका रीज़न यही है। और आप नई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, आप नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव आए। आपको ये अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। एक तो अपनी सैड एनर्जी से बाहर निकलेंगे, एक अपना यूनियन अपने साथ करेंगे, तो आपको नेचर डेफिनेटली जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं उस तरह की प्रोवाइड करेंगे। एंड द अदर थिंग इज कि जो बॉटम ऑफ द डेक है, द सन का कार्ड है, इसका मतलब आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। देखिए ये बच्चा किस तरह इस सन को, इस सन की लाइट को एंजॉय कर रहा है, उस तरह आप भी अपने अराउंड हर एक पॉजिटिविटी को एंजॉय कर पाएंगे। और इस तरफ को बढ़ने के लिए जो चीज़, जो की एलिमेंट आपका होगा वो ये होगा कि आपको स्ट्रेंथ से काम करना है। आपको अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर ये चीज़ नहीं फील करनी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं फील करना है। आपको अपना जोर लगाना है, आपको वो जोर एक डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव हो आपके लिए उसमें लगाना है। पहले आपको अपने इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्शन बनाना है, उसके बाद आपको इस तरह से काम करना है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव इन अ वे कि आपका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। ये फ्यूचर ब्राइट तभी हो सकता है जब आप खुद के ऊपर इस तरह से काम करेंगे। सूझबूझ से चलना है, इसका मतलब ये नहीं है, किसी भी लेवल पे ये नहीं है कि आप रिलैक्स करके बैठ जाएं या आप इस चीज़ को लेकर सिर्फ परेशान रहें और उसके ऊपर कोई एक्शन ना करें, इस चीज़ का मतलब वो नहीं है। सो लेट्स सी कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आपको काम तो करना है लेकिन किस तरह से आपको काम करना है, लेट्स सी दैट। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन लोगों का मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर मोड ऑफ एक्शन, क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए फॉर द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या मोड ऑफ एक्शन यूज करना है। देखा, आपको काम करना है, कॉल टू एक्शन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट, ओके, मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं आप अपनी ज़िंदगी के। ओके, देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, आपको अपने विज़न को चेंज करना है। जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं ना, उस आउटलुक को चेंज करना है। आपको दूसरे को माफ़ करने की आदत नहीं कहूँगी मैं इसको, वो आपकी ज़रूरत है इस टाइम पर। अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में बुरा किया है तो आप उसको माफ़ करके आगे की तरफ को चलिए। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस एनर्जी के साथ आपको मूव करना होगा, ओके? आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना होगा।
और मोड ऑफ एक्शन क्या है आपका? आपका मोड ऑफ एक्शन ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी का चार्ज खुद से लेना है। मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कोई और हेल्प नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है आप किसी और की वजह से स्टक हैं, आप अपनी वजह से स्टक हैं। आपको चार्ज लेना है आपकी लाइफ का और इस तरह से खुद के ऊपर काम करना है कि आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाएँ। आपको जो आप कहते हैं मुंह से वैसे ही आपको एक्शन करने हैं, ओके? और जब आप अपनी ज़िंदगी में इस एक्शन वाली सिचुएशन में आ जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है, बिकॉज़ वहाँ पर भी सन का कार्ड था, यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके सारे के सारे जितने ज़िंदगी के अंदर रुकावटें हैं वो दूर होंगी, आप खुद को भी स्पिरिचुअली सपोर्ट कर पाएंगे और जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन हैं, जिन्हें आप मानते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और ये जो सपोर्ट है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी जब आप अपने साथ एक इनर कनेक्शन बना लेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में पकड़ेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक्शन लेंगे और आपको जो आपका पैशन है उसको आपको एक सही डायरेक्शन में लगाना है। आपके सोचने समझने की पावर्स इंक्रीज होंगी, फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज होंगी, आपकी इंट्यूटिव पावर्स हाई होंगी। ये आपका मोड ऑफ एक्शन रहेगा कि आप अपने इंट्यूशन की बात को ज़रूर सुनेंगे। अभी वो मोड ऑफ एक्शन नहीं है, ये फ्यूचर का मोड ऑफ एक्शन है। अभी के लिए आपको काम करना है, आपको एक्शन में खुद को लेकर आना है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है दिस ऑरेंज क्रिस्टल, अब उनके लिए चेक करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस चीज़ का क्या रीज़न है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में, आप क्यों आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेट्स सी क्या रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, क्या रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, ठीक है, और क्या, ओके, यूनियन विद योरसेल्फ, ठीक है। आगे स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पे। अब हम आकाशिक रिकॉर्ड से देखेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड डायरेक्ट यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं, बहुत एक्यूरेट मैसेजेस होते हैं। सो लेट्स सी, ओके, सो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ऑन ट्रैक बॉटम ऑफ द डेक, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, उनके लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है कि एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी है। या तो एफर्ट्स में कमी है या दूसरी चीज़ ये है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या तीसरी बात ये हो सकती है कि आपको ऐसा एहसास दिलवाया जा रहा है कि आप जितने भी एफ़र्ट्स करते हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं, आप जितने भी एफ़र्ट्स करते हैं आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, या ये इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आपके साथ है। दूसरी चीज़,
आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं, तो किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होती है और आप उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक ये थर्ड पार्टी ही आपको इस चीज़ का एहसास करवाती होगी कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं उनमें बहुत 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 कमी है, मतलब इतना अंडर कॉन्फिडेंट आपको फील करवाते। ओके, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है और इसके लिए यहाँ पर चीज़ निकल कर आई है कि आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। कैसे ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है? आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको डेफिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप जिन एनर्जीज़ में अभी ऑपरेट कर रहे हैं उन एनर्जीज़ को आपको ख़त्म करना होगा। आपको एक खुद के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। एंड द अदर थिंग, आप खुद के एडवाइज़र हो सकते हैं। मीन्स आज की सिचुएशन ऐसी है, अगर आप किसी और को एडवाइस दें ना, तो वो अगर आपकी एडवाइस के ऊपर चलेंगे उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा होता है। लेकिन आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझ नहीं पाते हैं। आपको खुद के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं रहा, आपको खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है? वो इस वजह से नहीं आ पा रहा है कि आपको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाया जा रहा है। सो आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सी द कीज़ है, ठीक है? आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको अपने इनर सेल्फ के साथ यूनियन में जाना होगा। आपको आपके अंदर पहचानना होगा कि आप एक्चुअली है क्या है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। वो आप खुद के साथ कनेक्शन बनाकर ही समझ पाएंगे। ये एनर्जी है आपके लिए, ये है आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाना है, आपको हायर एनर्जीज में ऑपरेट करना है, आपको किसी और के कहे के ऊपर नहीं चलना है। दैट इज़ द थिंग। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव होंगे जो कि आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को लेकर जाएंगे। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जिस भी स्फीयर में दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। आपको दूसरे के पीछे नहीं भागना है, आपको खुद के दिमाग से काम करना है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में ब्राइटनेस, एक केयर फ्री फ्यूचर आपके सामने आ जाएगा। ऐसी एनर्जी है आपके लिए तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा। आपको ये काम पूरी स्ट्रेंथ के साथ करना है। आपको हर एक पहलू को समझना है। आपको अपने आप को इस तरह से बना लेना है कि किसी की कोई भी बात आपको इफ़ेक्ट ना करे। आपके खुद के अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो और आपको पता हो कि आप खुद क्या हैं। ओके, सी यहाँ पर भी ये कार्ड आया है इनिशिएशन का। इसका मतलब आपको अपने अंदर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अब स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अगर अपने अंदर के जो चेंजेस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप उसको स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी के खुद मास्टर होंगे। आप अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन कर पाएंगे और आप अपनी जॉब प्रोफेशन उसमें मास्टर मींस निखर कर बाहर की तरफ को आएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, लव रिलेशनशिप की बात करें, तो उसमें भी आप डेफिनेटली खूबसूरती से बाहर निकल कर आएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस होगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत फूलों की तरह महकेगी। इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। लेकिन आपको इन सब के साथ खुद को भी ग्राउंडेड रखना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप चीज़ है। जो आप नेचर को देंगे वैसी ही
एनर्जी आपको वापस मिलेगी। सो आपको अपने आप को नेचर के साथ ग्राउंडेड रखना है। आपको अगर किसी और इंसान को कुछ भी कहना दैट इज अनदर थिंग, लेकिन नेचर के सामने खुद को ग्राउंडेड रखना है, अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करना है नेचर के सामने, किसी और के सामने करने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद को ग्राउंडेड रखेंगे तो आप वो पेड़ बनेंगे जिसकी छाया के अंदर आपके लव्ड वंस बैठ पाएंगे, ओके? और एक टाइम ऐसा आएगा अभी इन फ्यूचर ही कि आपके जितने डिवाइन एंजल्स, आपके इंसेस्टर्स, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। आप चीज़ों को सोचेंगे और वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ये फ्यूचर का टाइम है आपके लिए, ये अभी प्रेजेंटली ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट इन फ्यूचर अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करते हैं तो ऐसा ज़रूर होगा। और द डिवाइन फिजिशियन का कार्ड है, ये चीज़ बताता है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप लोगों के दुख दूर कर पाएंगे, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, आपकी लोग इस तरह से बात सुनेंगे कि उनके ऊपर आपकी एक गहरी छाप बनेगी। आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आप खुद अपने डाउनफॉल से किस तरह से निकल कर आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक के ऊपर मेरे पास कार्ड है ऑन ट्रैक का। ऑन ट्रैक का मतलब ये है कि आप को जो रास्ता इस रीडिंग में मैं बता रही हूँ, अगर आप उस ट्रैक पर आ जाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट ट्रैक फॉर यू। आप अपनी ट्रेन नहीं मिस करेंगे, आप इन सारी एनर्जीज में एंटर कर पाएंगे। आपका ट्रैक अभी जिस ट्रैक पर है वो ट्रैक सही नहीं है, लेकिन विद गाइडेंस जो आज मैंने आपको ट्रैक बताया है, अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एंजल सपोर्ट करेंगी, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगी और आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी की तरफ को बढ़ पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। लेट्स सी दैट। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उन्हें क्या करना है, उनको अगर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है तो किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है, कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है। ओके, लग रहा था मुझे कि कर्मा का समथिंग। सबसे पहली बात तो यह है, अगर आपको अपने इनर लाइफ के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाना है तो यू शुड प्रे टू लॉर्ड कृष्णा। अब जब मैं प्रे की बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी मूर्ति पूजा के लिए कह रही हूँ। उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, लॉर्ड कृष्णा ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। गीता सार पढ़िए, आपको पता लगेगा कि क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। आपको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है तभी आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल पाएगी। आपने जितना काम, जितना स्ट्रगल किया है वो अभी रिकॉग्नाइज हो रहा है और आपको डिवाइन हेल्प तभी मिल पाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं आपका इनर सेल्फ के साथ डेफिनेटली कनेक्शन बनेगा। और फिर क्या चीज़ होने वाली है, आप इन्फिनाइट अबंडेंस में एंटर करेंगे। लॉर्ड गणेश को याद करना मत भूलिए, रोज़ आपको लॉर्ड गणेश को याद करना है क्योंकि ये विघ्न हरता है, ये आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को हर लेंगे, आपकी सारी मुसीबतों को हर लेंगे। आपको इनसे सपोर्ट बहुत जल्दी मिलेगी और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इंक्रीज होने लगेगा। आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा फील कर चुके हैं कि आप अब खुद से ही प्यार नहीं करते हैं। आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। आप अपने आप को चूज़ कीजिए कि हाँ, मैं भी प्यार का हकदार हूँ, और वो सब काम कीजिए जो कि सबके लिए सही हैं। दूसरों को हेल्प ऑफर कीजिए, जितना आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए, ताकि आपको हेल्प नेचर करें। और दिस इज़ अ टाइम, आपको अपना कर्मा रिलीजिंग टाइम पर है। आपको ये कार्मिक रिलेशनशिप्स रिलीज करने हैं,
आपको ये जो ड्रामा आपकी ज़िंदगी में चल रहा है इसे आगे बढ़ना है, आपको अपना रास्ता खुद चूज़ करना है और गुड एनर्जी की तरफ को मूव कीजिए। कर्मा रिलीजिंग का टाइम है, ये आपका मोड ऑफ एक्शन है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि एक फेज़, एक कार्मिक सिचुएशन आपकी ख़त्म होने वाली है, तो उसके लिए आपको इनर कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जिनके साथ जॉन सी पाइल रेजोनेट हुई है आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस जान रहे हो, आप अपना पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप ये बुकिंग मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मेरी या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। आप प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको वापस रिप्लाई ज़रूर आएगा। अब आप मेरे चैनल की मेम्बरशिप भी ले सकते हैं, सब्सक्राइब के बटन के साथ वहाँ ज्वाइन का बटन है। ज्वाइनिंग में दो लेवल्स हैं, आपको जो लेवल्स पसंद आए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस डालूंगी, मेंबर्स के लिए जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस डालूंगी। वीडियोस ऑन डिमांड भी वहाँ पर बनेंगी, जॉब फाइनेंस करियर को लेकर जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनेंगी जो नॉर्मली वीडियोज़ नहीं बन पाती हैं। सो आप ज्वाइन कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।